हाय, मेरा नाम रफीक है और मैं मुंबई में रहता हूँ। और मैं धूल से काफ़ी परेशान हूँ। मतलब 2 3 4 दिन में ही कितना भी कुछ साफ़ किया हुआ हो, वापस वहाँ पे धूल जम जाती है। तो मैं सोच रहा था कि ये इतने सारी धूल जो है वो आती कहाँ से? क्या वो घर के बाहर से आ रही है, क्या घर के अंदर से आ रही है? मैंने इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश की और वहाँ पे काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं सोचा कि मैं खुद ही एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूँ और हम लोग पता करते हैं कि ये धूल आ रही कहाँ से है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अभी ये वाली जगह देखिए, यहाँ पे एक्चुअली 2 दिन पहले ही मैंने ये साफ़ किया था और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे धूल जमना शुरू हो गई है। दिख रहा है यहाँ पे कितनी सारी धूल जमना शुरू हो गई है। सो दूसरा एक जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है फ़ैन। सो अभी आप देख सकते हैं कि ये जो फ़ैन के ब्लेड्स हैं, उनकी जो एजेस है उस पर कितनी सारी धूल जमा हुई है। ये फ़ैन पिछले महीने ही साफ़ किया हुआ था। सो ये सारी जगह है जहाँ पे ये सारी बहुत सारी धूल जमा होती है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक स्कॉच टेप, स्टिकी टेप और एक माइक्रोस्कोप, ये एक फोल्डस्कोप नाम है इसका, ये एक माइक्रोस्कोप है। सिर्फ ये दो चीज़ों को यूज़ करके हम ये धूल कहाँ से आ रही है ये पता करने की कोशिश करेंगे। ये जो फोल्डस्कोप है, ये इसके बारे में अगर आपको ज़्यादा पता करना हो तो एक्चुअली इसी चैनल पे एक और वीडियो है जहाँ पे फोल्डस्कोप के बारे में, उसकी असेंबली के बारे में मैंने बताया है। सो आप वो वहाँ पे देख सकते हैं। सो अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, तो काफ़ी सिंपल एक्सपेरिमेंट रखेंगे हम। लोग एक काम करेंगे, ये जगह जहाँ मैंने आपको दिखाई थी जहाँ पे बहुत सारी धूल जमा होती है, वहाँ पे मैं ये टेप है एक 3 4 जगहों पे, अलग अलग जगहों पे ये टेप लगाऊंगा और हम इसको 24 घंटे वहीं पे रखेंगे। तो आइडिया ये है कि जो भी धूल है वो उस टेप पे जमा हो जाएगी और उसको फिर हम इस माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे 24 घंटे के बाद। तो फिर हमको पता चलेगा कि टेप पे क्या क्या जमा हुआ है। क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब्जेक्ट का, तो मैं सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंदर देख के ये बता नहीं पाऊँगा कि क्या कहाँ से आया है। तो इसके लिए हमको और कुछ चीज़ें, एडिशनल चीज़ें करनी होगी। हमको ऐसी जगह जहाँ से शायद धूल आ सकती है वहाँ से कंपेयर करने के लिए और सैंपल कलेक्ट करने होंगे। जैसे कि मान लो खिड़की के बाहर से अगर कुछ आ रहा है तो मुझे खिड़की में एक टेप लगाना होगा ताकि जो भी चीज़ें खिड़की के थ्रू आती है वो उसमें से कुछ से ऐसी दिख रही है। फिर मैं, जैसे कि दूसरी एक जगह है कि मैं जहाँ सोता हूँ, बेड है या फिर मेरे कपड़े हैं, जो जो भी क्लॉथ फाइबर वगैरह है वो शायद वो भी बहुत सारी धूल का पार्ट हो, तो मैं वहाँ पे एक टेप लगाऊंगा ताकि जो भी लूज एयरबॉर्न चीज़ें हैं, धूल बन के जो निकल रहा है वो वहाँ पे चिपक जाए। तीसरी जगह है कि किचन में जब कुकिंग होती है तो बहुत सारी धुआं वगैरह निकलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक जगह है जहाँ से शायद आ सकता है, तो मैं वहाँ पे एक टेप लगाऊंगा ताकि मुझे पता चले कि किचन में से आने वाली चीज़ें माइक्रोस्कोप में से कैसे दिखती है। और एक मैं मेरे स्किन के ऊपर कहीं पे से सैंपल लेना चाहूँगा ताकि मुझे पता चले कि जो डेड स्किन मेरी निकलती है, जैसे हेयर है, हाथ किस डेड सेल्स है या बॉडी पे के, वो माइक्रोस्कोप में कैसे दिखते हैं। एक मैं बाथरूम के अंदर भी लगाऊंगा ताकि बाथरूम में भी जब नहाते हैं या फिर फ्रेश होते हैं तो वहाँ से भी धूल आ सकती है। और मैं जब बाहर जाता हूँ और बाहर से जब मैं वापस आ रहा हूँ तो शायद बहुत सारी धूल मैं भी खुद लेके आ रहा होगा, तो मैं मेरे हेलमेट पे भी एक टेप लगाऊंगा और मैं जब साइकिलिंग के लिए जाऊंगा और वापस आऊंगा तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस पर भी मुझे एक सैंपल मिल जाएगा ताकि जिससे मैं बाद में उसको कंपेयर कर सकूँगा। और भी कुछ चीज़ें हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उनको हम कैसे कलेक्ट कर सके। तो आई थिंक अब तक के लिए इतनी चीज़ें हमारे लिए आई थिंक काफ़ी रहेंगी हमको कंपेयर करने के लिए। तो 24 घंटे ये सारे टेप रख के हम लोग और सैंपल कंपेयर वाले सैंपल लेके भी फिर हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जमा हुआ है और कितना उसमें से कहाँ से आया है। सैंपल लेने से पहले फ़ैन के ब्लेड्स है उसको क्लीन करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम टेप लगाएंगे। इससे हमको नया और फ्रेश सैंपल मिलेगा, पता नहीं वो कितने दिनों से है। इससे बेटर ये होगा कि हम पहले क्लीन करें फिर टेप लगाए और कल वो देखें। एक्सपेरिमेंट का दूसरे दिन
मैंने वो जो भी सारे सैंपल के लिए हमने चीज़ें लगाई थी वो निकाली, सारे स्टिकी टेप, और उसके अंदर क्या क्या है वो भी देखा। और फिर ये तीसरा दिन है क्योंकि मैंने जो फ़ैन था वहाँ पे 3 टेप लगाए थे, तो मैं सोचा था कि हर रोज़ एक एक निकालूंगा, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद और 3 दिन के बाद। तो ये 2 दिन के बाद वाला डेटा भी हमारे पास है, वो टेप हमारे पास है। तो सबसे पहले तो मैंने ये किया कि जो सैंपल कलेक्ट कंपेयर करने के लिए जो अलग अलग जगह पे लगाए थे, जैसे कि खिड़की के बाहर एक लगाया था, बाथरूम में लगाया था, किचन में, मेरे हेलमेट पे, मेरे बॉडी से लिया था, और उसमें मैंने कुछ दो और ऐड भी किए थे। एक तो स्पाइडर के वेब का एक सैंपल लिया था ये पता करने के लिए कि वो माइक्रोस्कोप में से कैसे दिखते हैं, और मुझे भी ये भी लगा था कि शायद पेंट, जो वॉल पेंट है, वो भी शायद उसके पार्टिकल भी डस्ट बन के घर में होते होंगे, तो इसलिए उसका भी एक सैंपल लिया था। तो मैंने पहले ये सारे जो है वो माइक्रोस्कोप के अंदर, फोल्डस्कोप के अंदर देखे, और उसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नज़र आई, जबकि मुझे सिर्फ वो कंपेयर के लिए सैंपल था चाहिए था। तो जो विंडो के बाहर लगा था वहाँ पे एज एक्सपेक्टेड बहुत सारे सूट पार्टिकल, या फिर जिसको हम धुआं बोलते हैं, काला धुआं जो गाड़ियों से निकलता है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल थे। लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे फाइबर भी थे, कुछ ऐसे लग रहा है जो माइक्रोप्लास्टिक के फाइबर भी है, सैंड के भी पार्टिकल थे, मतलब मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े, काफ़ी किस्म के चीज़ें उसमें निकली। लेकिन जो मुझे काफ़ी शॉकिंग लगा वो था जो मैंने मेरे हेलमेट पे लगाया था। तो ये तो एक्सपेक्टेड था कि विंडोज़ के थ्रू कचरा, काफ़ी सारा धूल आ रहा है, लेकिन जब मैंने जो हेलमेट पे लगा हुआ था वो देखा, तब मुझे शॉक इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा था, उसके अंदर ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे कि उसके अंदर बहुत सारे प्लास्टिक के फाइबर थे, क्लोथ के फाइबर थे, धूल के बहुत सारे छोटे छोटे कण थे, और क्योंकि मैं रोड पे साइकिलिंग करने गया था हेलमेट पहन के, तो कार्बन जो गाड़ियों से निकलता है, अनबर्न कार्बन जो धुआं है, काला धुआं, उसके पार्टिकल थे। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब हम लोग बाहर जाते हैं और बाहर से वापस आते हैं, तो बहुत सारा जो धूल है वो हम हमारे साथ लेके आते हैं। ये मैंने नहीं सोचा था पहले, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लगी मुझे। फिर मैंने जो स्पाइडर वाला वेब था उसका भी एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, वो कैसे दिखता है, पेंट कैसे दिखता है वो देखा, और जो हमारे डेड सेल होते हैं, ह्यूमन सेल, जो मैंने मेरे बॉडी से लिए थे, वो कैसे दिखते हैं वो भी देखा। और जो मेरे बेडिंग के पास एक मैंने लगाया था, उसके अंदर बहुत सारे कलर, वाइट, ट्रांसपेरेंट जो पार्टिकल, सॉरी, फाइबर थे क्लोथ के, वो वाले आ गए थे, और उसके अंदर ह्यूमन हेयर भी थे, तो मतलब वो वहाँ से शायद, और ह्यूमन डेड सेल, तो वो निकलते हैं, और जब मे बी हम लोग झटक के अपना बेडिंग वगैरह बना रहे होते हैं या फिर ठीक कर रहे होते हैं बेडशीट वगैरह, तब वो धूल पूरे रूम में फैलती है। हाँ, उसमें से और एक था किचन वाला। सो किचन वाले में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसमें बहुत सारे बर्न फाइबर थे और कुछ काले धूल के पार्टिकल, वो थोड़े बारीक थे एज़ कम्पेयर टू जो बाहर से आए थे, और जो फाइबर थे वो जो कपड़े के फाइबर या बाकी फाइबर से अलग थे, क्योंकि वो देखते ही पता चल रहा है कि वो जले हुए हैं। तो अगर ये फाइबर हमको मेन सैंपल में दिखते हैं तो पता चल जाएगा कि ये किचन से आए हैं। तो ये सारा बैकग्राउंड क्रिएट करने के बाद, जिससे मैं कंपेयर कर सकूं, मैंने Day 1 पे फैन का एक एक जो ब्लेड पे लगा हुआ था वो निकाला, और विंडो में जो लगे हुए थे वो निकाले, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मुझे नज़र आई Day 1 में भी। Day 1 में भी सबसे ज़्यादा अगर जो मुझे कुछ दिखाई दिया है, तो वो तो ऑब्वियसली है कि जो फाइबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे उसमें, फाइबर जो किचन से आए हैं, जो बर्न्ट है वो भी थे, फिर जो कपड़े के फाइबर थे वो बहुत सारे वो थे, बाहर से आए हुए फाइबर थे, स्पाइडर के वेब के फाइबर थे, और कुछ मुझे ऐसे लगता है कि वो माइक्रो फाइबर्स है, माइक्रो प्लास्टिक्स है, जो प्लास्टिक के बहुत छोटे छोटे कण होते हैं। अब ये सारे जो छोटे छोटे कण हैं, मैं उनको, उनकी जो बात कर रहा हूँ वो इतने छोटे हैं कि वो
हमको अगर हम डायरेक्टली देखने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत छोटे छोटे दिखेंगे, हम उनको कुछ समझ भी नहीं पाएंगे, लेकिन माइक्रोस्कोप जो है उनको 140 गुना बड़ा करके दिखाता है, तो वो काफ़ी बड़े बड़े हो तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो कहाँ से आ रहे हैं। तो जो मेन सैंपल है, जो फैन का सैंपल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो फाइबर है, वो घर में का भी है और बाहर का भी है। तो बाहर से खिड़की के थ्रू भी आया है, मैं जब बाहर गया था तो वो लेके आया हूँ, और किचन में से भी आया है, और मेरे जो कपड़े हैं, जो बेडशीट और ये सब चीज़ें हैं उससे भी आया है। दूसरा जो अबंडेंट चीज़ था वो था धुआं है, धुआं के जो छोटे छोटे पार्टिकल है, अनबर्न कार्बन जो है, वो किचन से थोड़ा सा आया, बहुत सारा बाहर से आया, और मैं जब बाहर गया था तो वो मैं साथ में लेके आया, उसके भी हो सकते हैं। तीसरा जो शॉकिंग पार्ट जो मेरे लिए था वो था माइक्रोप्लास्टिक। इसमें काफ़ी सारा माइक्रोप्लास्टिक मुझे दिखाई दिया। जो माइक्रोप्लास्टिक है वो कलर्ड छोटे छोटे पार्टिकल्स है, जो कुछ माइक्रोन, 30, 40 माइक्रोन, 50 माइक्रोन जो उनकी साइज़ होगी, तो वो सारे पार्टिकल्स एक्चुअली बहुत सारे उसमें दिखाई दिए। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे लगा था कि थोड़े बहुत हो गए, लेकिन इतने सारे माइक्रोप्लास्टिक के उसमें पार्टिकल्स हो गए, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दी, जैसे कि डेड जो हमारे सेल होते हैं, ह्यूमन सेल, वो भी काफ़ी सारी दिखाई दिए, पर इतने नहीं जितने फाइबर या फिर अनबर्न कार्बन ये सब चीज़ें थी, या फिर माइक्रोप्लास्टिक थे, उनका नंबर कम था। ये इसका एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि मैं अकेला ही इस घर में रहता हूँ, तो अगर काफ़ी सारे, जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा डेड पार्टिकल्स, डेड स्किन पार्टिकल निकलेंगे, और उतने ज़्यादा वो धूल में दिखाई देंगे, तो इस केस में वो उनका नंबर कम था। सैंड पार्टिकल भी काफ़ी सारे दिखाई दिए, वो भी अलग अलग कलर के, तो उसमें जो छोटे छोटे पार्टिकल, जब मैं बाहर गया था तो उसके साथ भी शायद मैं वो मेरे कपड़ों के साथ आए हैं, और खिड़की के थ्रू भी काफ़ी सारे सैंड पार्टिकल्स आए। स्पाइडर वेब भी थोड़े बहुत दिखाई दिए, और बहुत सारे ऐसे भी पार्टिकल्स थे जिनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि वो कहाँ से आए, क्योंकि मेरे पास उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास कुछ था नहीं, और ना कि मैं इस फील्ड का एक्सपर्ट हूँ कि मैं शायद वो आइडेंटिफाई कर पाता। सो ओवरऑल आई थिंक अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं ये बोल सकूँ कि इतनी धूल आती कहाँ से। सो धूल एक तो हमारे खिड़की और दरवाजे से आती है, जिसमें गाड़ी से निकला हुआ धुआं, मिट्टी के छोटे छोटे कण, फाइबर्स, अलग अलग छोटे छोटे धागे, पोलन्स भी आते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है डेटा में, पर मतलब मैंने काफ़ी सारे पेपर्स में पढ़ा है, लेकिन मैं एक भी पोलन ढूंढ नहीं पाया, तो आई डोंट, मे बी ये सीज़न नहीं है उसका, या फिर पता नहीं, पर या मैं उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। सो सेकंड जो धू सोर्स है वो है हमारा खुद का घर भी, तो जैसे कि हमारे जो कपड़े हैं, हमारे बिस्तर है, इसमें से बहुत सारे फाइबर और धूल निकलती है, हमारी बॉडी से धूल निकलती है, किचन से धूल निकलती है, और जब हम बाहर जाते हैं तब भी हम बहुत सारी धूल साथ लेके आते हैं। ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि, क्योंकि हम लोग जाते हैं तो जनरली क्लीन वापस आते हैं तब भी हमको हम क्लीन लगते हैं, लेकिन एक्चुअली हम काफ़ी सारी धूल बाहर से लेके आते हैं। और इसमें जो वरीइंग पार्ट था वो था कि माइक्रोप्लास्टिक जो मुझे मिला धूल के अंदर, एक्चुअली जो समंदर में, पानी में वगैरह, इसके ऊपर काफ़ी सारा स्टडी है जिसमें माइक्रोप्लास्टिक कैसे इन सबको डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसके ऊपर स्टडी है, लेकिन घर में भी इतना सारा हमारे माइक्रोप्लास्टिक है जो हम कंटिन्यूसली ब्रीथ कर रहे हैं। तो मैं काफ़ी सारे रिसर्च इंटरनेट पे पढ़ रहा था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने स्टडी करना शुरू किया है कि माइक्रोप्लास्टिक कैसे हमारे हेल्थ के लिए एक्चुअली एक इशू बनता जा रहा है, जो हमारे आसपास के बहुत सारे चीज़ों से ही निकलता है। हमारे आसपास इतना सारा प्लास्टिक पैकेजिंग, हर चीज़ प्लास्टिक से बन के आती है। आई मीन सिंपल सा अगर एग्जांपल लेना हो तो हमारा जो डिप टी का पैकेट होता है वो अगर आप डिप करेंगे तो वो कितना सारा माइक्रोप्लास्टिक छोड़ता है। तो हमारा हमारे आसपास बहुत सारा प्लास्टिक है, और उससे बहुत छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े निकल के वो हमारे हवा में फैलते हैं,
और फिर वो धूल में भी है और हम उसको ब्रीथ भी कर रहे हैं, वो हमारे शरीर में भी जा रहे हैं। तो आई थिंक इसी के साथ मैं ये एक्सपेरिमेंट क्लोज करना चाहूँगा कि मुझे पता चला है कि मेरे घर में धूल कहाँ से आती है, और मैं अभी कुछ और सिस्टम प्लान कर सकता हूँ जिससे मैं इसको मिनिमाइज कर सकूँ। थैंक यू।